हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। आज हम बात करेंगे ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड के बारे में और इसको सीखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, इमेज का टेक्निक यूज करते हुए, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कभी भी हमारे नंबर इसमें ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रासलैंड आखिर होता क्या है। ग्रासलैंड यानी कि घास भूमि। घास भूमि ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे ना तो रेगिस्तान हो और ना जहाँ पे ज्यादा जंगल हो, ऐसे भूमि में पाया जाता है ग्रासलैंड। तो घास क्या होता है? हमने देखा होगा कि अपने घर के आसपास बहुत सारे घास हैं, हमारे जो फसल होते हैं वो भी एक घास होते हैं। तो घास की मेन परिभाषा यही है कि उसके जो स्टेम तना होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो आपका सवाल होगा कि क्या बैम्बू घास है? तो हाँ बिल्कुल, बैम्बू भी घास है, इसके भी तने जुड़े रहते हैं। हमारा शुगर केन भी घास है, इसके भी तने जुड़े रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दूसरे होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। तो चलिए आगे हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड का, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का। तो उसमें पहला आता है सवाना। सवाना कहाँ पे? अफ्रीका। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि अगर कोई भी चीज़ फ्री का मिलेगा, अगर मान लीजिए आपको आइसक्रीम फ्री का मिल रहा हो, नूडल मिल रहा हो, बर्गर हो रहा, तो जहाँ पे फ्री का मिलता है वहाँ पे सारे दोस्त आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो बोलते हैं ना, चलो चलो दोस्त, वहाँ फ्री का मिल रहा है, सब आना। तो अफ्रीका से आपको लेना है फ्री, अफ्रीका से आपको लेना है फ्री फ्री, और सवाना से सब आना, सब आना। तो आपका ये ट्रिक बन जाता है कि चलो चलो सब आना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैंपोस ब्राजील में। तो ब्राजील का अगर हम गेम देखें तो सबसे मेन गेम होता है फुटबॉल, और फुटबॉल में हम लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं? पास करना। तो बॉल पास करते हैं, फुटबॉल में पास करते हैं। तो हम यहाँ से ले सकते हैं पॉस से पास, पास, और ब्राजील से ले सकते हैं फुटबॉल। तो अगर जहाँ भी फुटबॉल की बात आएगी कहीं भी, तो हम उसको कहते हैं कि फुटबॉल जरा सा पास करना या बॉल पास करना, कुछ भी पास मांगते हैं। तो कॉम्पास ब्राजील। नेक्स्ट देखते हैं लानोस कोलंबिया और वेनेजुला में पाया जाता है। तो आप ऐसे याद रखें कि एक लड़का है, उसका नाम वेनु है, उसकी नाक बहुत लंबी है। तो उसको सब मजाक उड़ाता है, सारे बच्चे कहते हैं कि वो देखो देखो वेनु की नोज कितनी लंबी है। लंबी से आप याद रखिएगा कोलंबिया, नोज से लानोज, और वेनेजुला के लिए वेनु, वेनु से वेनेजुला। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, अगर आप ये फोटो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जब आप भी कहाँ पे देखोगे कि कोलंबिया या वेनेजुला है, तो आपको अचानक से याद आ जाएगा नोज नोज, लंबी नोज थी लानोस, तो कोलंबिया ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें, शीतोष्ण घास के मैदान में आता है स्टेपी। स्टेपी कहाँ है? यूरेशिया, क्योंकि ये यूरोप और एशिया के मध्य में पाया जाता है। कुछ भाग इसके यूरोप में भी है, कुछ भाग एशिया में। तो मान लीजिए स्टेपी से हम लेते हैं टेप, तो टेप से यहाँ देखना कि यूरोप और एशिया यहाँ पे जुड़े हुए हैं टेप से, तो इसलिए हम इसका ले सकते हैं स्टेपी से टेप और यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया के रीजन में पाए जाते हैं, तो इसको कॉलेक्टिवली यूरेशिया कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं पुस्ताज हंगरी में है। पुस्ताज से हम ले लेते हैं पास्ता, अपने लोगों को पास्ता तो पसंद ही होगा। और हंगरी, जब पास्ता देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? बहुत जल्दी भूखे हो जाते हैं। अगर पास्ता घर में बना तो बच्चे कहते हैं अरे अरे बहुत भूख लगी है। तो भूख से लीजिए हंगरी और पुस्ताज को लीजिए पास्ता। तो पास्ता देख के हमें भूख लग जाती है, तो हम बहुत हंगरी फील करते हैं। तो ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं, जहाँ भी पुस्ताज दिखेगा तो हंगरी आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरीज यूएसए में। तो इसकी कहानी कि मुन्नी नाम की एक लड़की है, उसका बिल बहुत ज़्यादा आया, तो वो सोच में पड़ी थी कि कौन पे करेगा कौन पे करेगा। तो उसके एक अंकल थे जॉन, जो यूएसए रिटर्न थे, उन्होंने पे किया। तो पेरेरीज से हम कर सकते हैं पे, हमारा कोई बिल है बहुत हैवी अमाउंट है, कौन पे करेगा? तो यूएसए पे करेगा, क्योंकि यूएसए के पास बहुत पैसा है और बहुत पावर भी है। तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं पेरेरीज यूएसए। नेक्स्ट की बात करते हैं पैम्पास अर्जेंटीना। पैम्पास से हम ले सकते हैं पम्प अर्जेंट, और यहाँ से लिख सकते हैं टीना, और यहाँ से लिख सकते हैं अर्जेंट। तो टीना नाम की एक लड़की थी, उसका ब्रेकअप हो गया, तो उसको अचानक से हार्ट अटैक आने लगा।
जब हार्ट अटैक आने लगा तो एक लड़की ने देखा, उसकी दोस्त ने, तो उसको पंप देने लगी, क्योंकि हार्ट अटैक आता है तो उसे पंप देते हैं ताकि हार्ट अटैक से बच सके। तो आप याद कर सकते हैं, पंप दिया किसको? टीना को। अर्जेंटली पंप दिया किसको? तो टीना को। तो अर्जेंटीना पंपास का। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है वेल्स। वेल्स कहाँ है? साउथ अफ्रीका। तो देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है, यहाँ एशिया वगैरह से यहाँ पे एकदम छोटा सा टांका लगा है, जिसको वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करते हैं तो टांका लगाते हैं ना, तो ऐसे याद रखिए कि अफ्रीका के लोग काले होते हैं, तो कलुआ वेल्डर अफ्रीका वाला, अफ्रीका का है तो काला है, तो वेल्डर से याद रखिए वेल्स, और अफ्रीका कलुआ अफ्रीका का है तो वेल्स साउथ अफ्रीका का। नेक्स्ट डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स अगर आप देखें मैप में तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे यहाँ पे है, तो वो मैप में सबसे डाउन भी है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर एक गेम आती थी पहले, नोकिया की मोबाइल होती थी, उसमें गेम का नाम था बाउंस। बाउंस और डाउंस होमोफोन्स टाइप के लग रहे हैं, तो आप याद कर सकते हैं। अंकल थे डॉनी, डॉनी से डाउन याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया वाले, उनके फोन में हमने बाउंस खेला था, बाउंस गेम खेला था, तो डॉनी से याद रखिए डाउंस, ऑस्ट्रेलिया वाले अंकल थे तो उनके मोबाइल में गेम खेला, तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिए, डाउंस जहाँ आया तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है कैंटरबेरी न्यूजीलैंड। तो कैंटरबेरी से हम बना लेते हैं कैडबरी। कैडबरी चॉकलेट तो सबको पसंद है। तो एक बार की बात है, एक निब्बी थी और एक निब्बा था, तो निब्बी नाराज हो गई क्योंकि उसे नए फ्लेवर वाले कैडबरी के चॉकलेट चाहिए थी। तो यहाँ न्यू से याद रखिए न्यूजीलैंड, उसने कहा कि मुझे न्यू वाला कैडबरी चाहिए। कैडबरी से कैंटरबरी याद रखिए और न्यू से न्यूजीलैंड, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। जब ये पिक्चर देखोगे आप, एक बार दो बार देख लोगे वीडियो, तो आपको ये दिमाग में सेट हो जाएंगे, फिर आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, हमने अभी जो सीखा उस पर बेस्ड बन पाते हैं या नहीं। ग्रासलैंड स्टेपी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए यूएसए, सेकेंड यूरेशिया, थर्ड रसिया और फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो हमने अभी पढ़ा था टेप, स्टेपी से हम लेते हैं टेप, और टेप किसको किसको किया है? यूरोप को और एशिया को। हमने किसको किसको टेप किया? यूरोप और एशिया। तो क्या बना था हमारा? यूरोप और एशिया को टेप करने पे यूरेशिया, तो हमारा आंसर हो गया यूरेशिया। देख रहे हैं कि हमारा ट्रिक कितना अच्छा काम कर रहा है, ये कहानी के रूप में आपने पढ़ लिया, तो आपको आसानी से सारे चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी, और जब क्वेश्चन करोगे तो खुद ब खुद वो आती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द ग्रास लैंड लोकेटेड इन न्यूजीलैंड। हमने क्या कहा था कि न्यू न्यू फ्लेवर के हमें क्या चाहिए? चॉकलेट। कौन से चॉकलेट चाहिए, कहाँ के, कौन से कंपनी के चाहिए, कौन से ब्रांड के? तो कैडबरी के, कैडबरी के। और कैडबरी से हमने क्या कहा था कि क्या याद रखना? कैंटेबरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंटेबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रासलैंड पुस्ताज इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी हंगरी, फोर फ्रांस। तो हमने पढ़ा था पुस्ताज से क्या कहा था? पास्ता याद रखने के लिए, कि अगर पास्ता देखोगे तो सबसे पहले बच्चों को क्या लगती है? भूख। और भूख को क्या कहते हैं? हंगरी। हंगरी, तो हमारा ये आ जाएगा ऑप्शन थ्री, हंगरी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। अफ्रीका के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अफ्रीका से कौन आया था? कलुआ। कलुआ वेल्डर। कौन आया था? कलुआ वेल्डर आया था, वेल्डर अफ्रीका का था, कलुआ वेल्डर, तो वेल्ड यहाँ से याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट करा पंपास ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी ऑस्ट्रेलिया, सी साउथ अफ्रीका, डी हंगरी। तो हमने क्या कहा था कि टीना नाम की लड़की थी जिसका ब्रेकअप हो गया, तो उसको हार्ट अटैक आ गया था, हार्ट अटैक आ गया था, तो उसको हमने क्या किया? उसकी सहेली ने उसको पंप दिया, हार्ट को पंप दिया, तो पंप से आ गया था पंपास, तो कहाँ का हो जाएगा? टीना से। ये देखिए टीना यहाँ पे, तो अर्जेंटीना ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक का ट्रिक चाहते हो, तो मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।